गुजरे वक्त की दास्तान लेकर आ रहे हैं कृष्णा एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिद्धार्थ एज अ घड़ी। खैर लेकिन सच्चे दिल से कहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन टुडे वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया टुडे। अनिल जी के लिए थोड़ी सी बहुत तालियां हो जाए। अब ज्यादा तालियां अर्चना जी के लिए बजाइए, क्योंकि अनिल जी को तो तालियां मिलती रहती है। असली ताली के भूखे ये लोग हैं, बजाओ इनके लिए। रेस टू तो बननी थी, क्योंकि अब्बास और मुस्तान ने डायरेक्ट किए, है ना, दो डायरेक्टर हैं। अब्बास भाई ने रेस वन बनाई, मुस्तान भाई बोलते मैं भी बनाऊंगा। खैर वो चीची मामा के साथ आपने फिल्म की थी दीवाना मस्ताना, उसमें कौन सा डायलॉग था, माय बिच कोई रंगीला का जैकी श्रॉफ नहीं हो, जो उर्मिला को अपने गाड़ी में बैठा के आमिर खान के हाथ में थमा दू झकास। अनिल सर मैंने भी फिल्म की थी बोल बच्चन, पता नहीं शायद आपने देखी होगी, लेकिन एक और फिल्म आ रही है मेरी, मिस्टर मनी। हम लोग सोच रहे थे, प्रोड्यूसर सोच रहे थे उसको भी हम ऑस्कर के लिए भेजें, लेकिन मैं मना कर दिया। मैंने नहीं यार, ये ऑस्कर के लिए खाली फुकट धारावी में जाकर नंगे पोंगे बच्चों के साथ कौन शूटिंग करेगा। खैर आज न्यू ईयर की पार्टी है और मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ जो मेरे पार्टनर सुदेश जी हैं उन्हीं को बुलाया मैंने पार्टी के लिए। साला मेरी बारी आती तो बंद कर देती हो अपने। अरे कुल साहब एक्चुअली मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। अरे बाहर तो तू कह रहा था तू अमिताभ बच्चन का फैन है। पहले बोल रहे थे वो आ रहे हैं, अब ये है तो बता दो सही मेरे को। सर ये मजाक अपनी जगह, ये सच्चाई है, मैंने जब पहली फिल्म देखी ना कर्ण अर्जुन, अरे वो इनकी फिल्म नहीं थी, तो मुझे ठीक ही लगी, मैं झूठ नहीं बोलता। और जब मैंने आपकी देखी राम लखन मजा आ गया सर, आज भी वो टाइटल मेरे दिमाग में हर वक्त यही बोलता रहता हूँ, राम लखन। जो रहता नहीं। एक फिल्म आपकी आई थी किसान इम्पॉसिबल, वो आपकी थी, सॉरी मिशन इम्पॉसिबल। जब आपको पता था मिशन इम्पॉसिबल तो आपने की क्यों। सर आपकी सारी फिल्में नायक तेजाब, बड़ी बड़ी फिल्में आई, लेकिन मैं कोई भी देखने नहीं जाता, पता क्यों, जब टिकट मिलती नहीं इतना रश होता तो मैं धक्के जाके क्यों खाऊं। हाय न्यू ईयर है, दशहरा बहुत अच्छा, सुन मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ओह वाओ गिफ्ट मेरे लिए, कहाँ है, कहाँ है? गिफ्ट है सोहेल साहब, आप क्या समझते हो कि सिर्फ घड़ियां गिफ्ट आप ही कर सकते हो। अब हमें भी पता चल गया चोर बाजार का कि ये घड़ियां कहाँ से, कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। पर ये क्या यार घड़ी भी ना आती, बजने चाहिए थे इस वक्त 12:15 साढ़े 11, ये क्या चक्कर है यार। अरे सर आप तो जानते हैं इन अजूबों की टाइमिंग कितनी खराब है। हेलो या तो आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में। हाँ जी एक, हाँ जी शो है नए साल का, हम दोनों को बुलाना चाहते हैं, तो 12 लाख नहीं चाहिए ये, ओके अकेले का 50,000 नहीं नहीं बाकी बचे फुचे मैं इसको देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, नहीं कराना तो मत कराओ, आजकल हम परवाह नहीं करते, हमारा टाइम अच्छा चल रहा है। आज तेरा टाइम अच्छा चल रहा है बेटे, वो दिन तू भूल गया जब तू स्ट्रगल करता था, मैं दिखाता हूँ। ये देख। बर्बाद हो गए। चुप हो जा बिल्ला चुप हो जा। ये बताओ तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। लेकिन नौकरी चाहे नहीं मिली लेकिन हमारे बच्चे अब भूखे नहीं मरेंगे। देख मैं हम सबके लिए एक समोसा लेके आया हूँ। एक समोसा लेकिन चटनी का चटनी पता है तुझे, बच्चे बाहर भिखारन से रोटी छीन छीन के खा रहे हैं। यार ऐसे मत करो, क्या पता एक दिन वही भिखारन बड़ी होके बहुत बड़े कॉमेडी शो की एंकर बन जाए, कोई पता नहीं होता बच्चा। अरे तुम्हें पता है वो किराएदार भी हमारा मकान मालिक है ना, किराए के लिए आया था। अच्छा कहता किराया तो वरना 2 दिन बाद घर से निकाल देंगे। एक घर से निकाल देंगे, तू इस महीने उसके पास माफी मांगने नहीं गई? नहीं माफी मांगने के लिए मैं गई थी, लेकिन उसके बहुत किराएदार है ना, वो किसी और को माफी दे रहा था। एक तो मैं परेशान हो गया हूँ, आजकल हमारे मोहल्ले में इतने माफिया हो गए, परेशान कर दिए इन्होंने। कितने गरीब थे ना ये।
तू बड़ा मानी का पोता था बे। अपना याद नहीं तेरे को भोजपुरी है? तेरे को दिखाऊं भोजपुरी के? देख तेरा टाइम देख। हेलो, हाँ मैं भोजपुरी फिल्म का सत्तू डायरेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। अरे मैंने बहुत बहुत बड़ी फिल्में, ये बेटा, तिजाब, ये जुमाई राजा, सारी पहले मैंने ही देखी थी। देखो मैं इस बार सारी नई कास्ट लूंगा, क्योंकि पुरानों को पता चल गया मैं पैसे नहीं देता तो कोई काम नहीं कर रहा मेरे साथ। सर जी मजा आ गया, मैं याद ही कर रहा था, मेरी किस्मत खुल गई, मेरे मैं नया लड़का मांग रहा, गोविंदा साहब खुद आ गए, ये मेरा मन खुश हो गया। मैं गोविंदा नहीं, उनका भांजा हूँ मैं, कृष्णा। ओ कृष्णा, ये कौन है? चलो कृष्णा को नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन सुपरस्टार गोविंदा को तो जानते हो ना। अरे कहे का सुपरस्टार, एक भी भोजपुरी फिल्म नहीं की उसने, सारी हिंदी की है उसने। है? अगर तू उसका भांजा है तो बड़ी फिल्म क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं अपने दम पे नाम कमाना चाहता हूँ, किसी का नाम यूज ना करूं। और वो किसी दिन गाड़ी से जाए ना इसे तो लोग कहें वो देखो कृष्णा का मामा गोविंदा जा रहा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा होगा, मैं करके रहूंगा। अगर लोग नहीं बोलेंगे ना, मैं खुद बोलूंगा जब वो गाड़ी में जाएंगे, वो देखो पान वाले कृष्णा का मामा गोविंदा जा रहा। पान वाले। जब कुछ नहीं होगा तो पानी बेचेंगे ना सर। सर मुझे काम दे दो सर, प्लीज मुझे भोजपुरी पिक्चर। अरे कैसे दे दूं तेरे को काम? ऐसी तेरे में क्या खासियत है जो तेरे को मैं काम दे दूं? क्या खासियत है? अरे क्या बताऊं सर, ऐसी खासियत है कि इतना बड़ा आदमी इतना टाइम देके इतनी दूर से मेरी एक्टिंग यहाँ पर देखने के लिए आए, इससे खास बात क्या हो सकती है? मैं तेरे को चांस देता हूँ। हाँ, मुझे मेरा ऑडिशन ले लो भले सर। मैं तेरे को सैड रोल, कॉमेडी तो सारे कर रहे हैं। हाँ, एक एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, मैं सिचुएशन देता हूँ। हाँ जी, तेरी बहन को चार गुंडे उठा के ले गए, ठीक है? ओके ओके, तो मैं तेरे को डायलॉग बोलता हूँ। हाँ, पुत्तन पुत्तन तेरी बहनिया को चार गुंडन उठा के ले गवा। का 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 भाईल, हमारी बहनिया को चार गुंडन उठा के ले गए। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, साली की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन बाबूजी अब ये पता लगाना है कि उन चार गुंडन में से हमारा मेन जीजा कौन बा। अरे बेटा इधर आ जाओ। सर कैसा लगा सर? बेटे मजा आया, मेरा तेरा नहीं आया। भाग जा साला, भाग जा। रावे साले, हमारे टाइम पे गया था पहले। बेटा अब तो हम इस शो के सुपरस्टार हैं, आजा तेरा टाइम दिखाते हम लोगों को। सिद्धार्थ जब यहाँ पर आया था 21 एपिसोड पहले। कृष्णा सर, सर कैसे हो आप? सुधीर सर, सर 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 एक एक सर एक लाइन दे दो सर, एक सर सर एक डायलॉग सर, सर एक डायलॉग सर प्लीज सर। उधर बार बार मत जाओ। और अब देखिए इसे 21 एपिसोड बाद आज। और भाई सुदेश कैसा है? और कृष्णा कैसा भाई? एक लाइन दे दो यार भाई, एक लाइन दे दो प्लीज, एक डायलॉग दे दो, एक डायलॉग दे, एक डायलॉग दे दो। अर्चना जी कुछ लोग होते हैं जिनका वक्त कभी नहीं बदलता, ये भीख ही मांगता रहेगा अपनी पूरी जिंदगी। मैं कहता हूँ कॉमेडी सर्कस का कभी टाइम नहीं बदलेगा, हम पहले भी हंसाते थे, आज भी हंसाते और हमेशा हंसाते रहेंगे। जोरदार ताली। तो सबसे पहले हमारे आज के एपिसोड के मेहमान अनिल जी, आप बताइए आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी। टाइमिंग, सबका काम, मतलब मैं तो बता नहीं सकता। मैं पहले सोच रहा था, मैं इतना खुश हूँ आज मैं यहाँ आया हूँ। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि यू नो इतने बड़े बड़े फनकार हैं इस शो में। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आपको भी मुबारक हो सर। मतलब कि एवरी डे यू वॉच सच ग्रेट टैलेंट ओवर हियर, फैंटास्टिक। थैंक यू सोहेल। सुदेश जी जितना अच्छा ये नाचते हैं आपने आके बैलेंस कर दिया, आप इतना ही बुरा नाचते हो, लेकिन आप जब नाचते हो तो आप दिल से नाचते हो। एंड कृष्णा आप एक ऐसे बंदे हो दैट व्हेनेवर यू कम अप देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू ब्रिंग टू द स्टेज, सो थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस। थैंक यू। अर्चना आपको कैसी लगी 2012 की
इस तिकड़ी की आखिरी परफॉर्मेंस. दिस इज आई थिंक द जोड़ी ऑफ 2012. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस अमेजिंग टीम इन 2012. मे यू हैव मच मोर इन 2013. थैंक यू आर्ची. मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अर्चना जी गवाह हैं. सर हम लोग ये 6 साल से ये शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने जेन्युइनली कभी किसी को नहीं कहा. बहुत सारे एक्टर्स आते हैं यहाँ पे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जेन्युइन दिल से. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप यहाँ आए हैं सर, मैं कैसे मिस कर जाऊँ आपके साथ डांस करना सर.